आज मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी। इसके आधे घंटे बाद ही ईवीएम की काउंटिंग भी शुरू हो जाएगी। पहले पोस्टल बैलेट पेपर की काउंटिंग की जाएगी और ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी राहुल सहजवानी जुड़े हुए हैं। राहुल, क्या जानकारी मिल पा रही है, क्या कुछ अगर हम यहाँ पर बात करें मतगणना स्थल की, तो वहां पर कैसी तैयारियां देखने को मिल रही है, यमुनानगर में क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? देखिए बिल्कुल लगभग 7-8 बजे का समय है वो यहाँ पर होने से है। और सुरक्षित व्यवस्था की अगर बात करें तो मतलब कितने तक के लिए काउंटिंग जो सेंटर है वो यहाँ पर बनाया गया है। अच्छी के अंदर चारों विधानसभा के अंदर जो है जो चारों विधानसभा है वहाँ पर काउंटिंग होती है। और ये देखिए जो सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी है और SP साहब यहाँ पर मौजूद है, जिसमें यहाँ पर जा रहे हैं किसी तरीके से कोई चुनाव प्रक्रिया है यहाँ पर कोई कुछ करता है तो कैसे उसको हैंडल करना। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से जवान पुलिस के यहाँ पर तैनात हैं, CAPF यहाँ पर है और सिक्योरिटी जो है वो साफ तौर पर यहाँ पर लगाई गई है। तो कहीं ना कहीं जो सुरक्षा का है वो कहीं ना कहीं पुख्ता यहाँ पर करते हुए जो है साफ तौर पर देखते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और सबसे पहले जो है पोस्टल बैलेट उसकी यहाँ पर काउंटिंग होगी और 8 बजे के बाद जो मतगणना है वो यहाँ पर शुरू हो जाएगी। जो राउंड है उसको यहाँ पर खोले जाएंगे। तो तमाम प्रशासन की तैयारियां, जिला प्रशासन की तैयारियां वो भी अंदर ये देखिए एग्जीक्यूट है। अगर कोई गाड़ी जा रही है या कोई पोलिंग एजेंट जा रहे हैं तो उसपे बकायदा ID कार्ड जो है यहाँ पर चेक किया जा रहा है। जो दिए गए हैं उन्हीं के आधार पर जो है उनको अंदर जाने की यहाँ पर परमिशन है। किसी भी तरह से कोई भी कोई ज्वलनशील यानी कि कोई ज्वलनशील जो वस्तु है उसको यहाँ पर नहीं लेके जाने दिया जा रहा। मोबाइल है, मोबाइल को भी यहाँ पर प्रतिबंध यहाँ पर किया गया। तो तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था है मतगणना को लेकर वो यहाँ पर की गई है। और ये देखिए अब 6:30 बजे आसपास हो चुका है। अब यहाँ पर गेट को जो है यहाँ पर बंद करने का काम जो है वो यहाँ पर किया गया है, क्योंकि जो पार्किंग है वो भी यहाँ पर अंदर दी गई है, वो भी लिमिटेड जो पार्किंग है वो भी यहाँ पर की है। गेट को जो है यहाँ पर बंद करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। अब जो लोग हैं वो ही यहाँ से अंदर जा पाएंगे, कोई गाड़ी कोई वाहन जो है वो अंदर नहीं यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। तो तमाम सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो काफी पुख्ता बंदोबस्त जो है यहाँ पर किए गए हैं। सीलियर सुरक्षा जो है वो यहाँ पर की गई है, CAPF जो है वो यहाँ पर तैनात की, हरियाणा पुलिस और जिला पुलिस जो है वो भी यहाँ पर तैनात की गई है। तो लगभग जिला पुलिस की अगर बात करूँ तो 750 के आसपास जो पुलिसकर्मी है वो यहाँ पर सुरक्षा के घेरे में यहाँ पर रहेंगे। तो तमाम अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो चाक-चौबंद व्यवस्था मतगणना को लेकर यहाँ पर की गई है। वहीं अगर इस पूरे प्रीमिसिस की यहाँ पर बात करूँ तो लगभग 1 किलोमीटर का रास्ता जो है वो यहाँ पर बंद कर दिया गया है। पैदल ही अगर कोई आएगा तो वो आ सकता है, या जिसको पास गेट में अंदर के लिए सिर्फ उसी को आने की अनुमति है। इसके अलावा गाड़ी या अपने वाहन को लेकर अंदर यहाँ पर प्रीमिसिस नहीं आ सकता। तो शाम अब बिल्कुल राहुल, लेकिन इस बीच अगर हम बात करें तो यहाँ पर यमुनानगर की बात करें तो कितने काउंटिंग सेंटर्स बनाए गए हैं और कितने चरण में काउंटिंग कैसे की जाएगी? देखिए बिल्कुल काउंटिंग स्टेशन की अगर बात करें तो एक काउंटिंग स्टेशन है ITI, बहुत बड़ा एरिया है जिसमें चारों विधानसभा के जो काउंटिंग है वो यहाँ पर होगी। एक के बाद एक जो है जाएंगे और उसको लेकर जो है रिहर्सल जो थी वो कल यहाँ पर कर ली गई थी। ऐसे में रिहर्सल की अगर बात करें या उसके बाद क्योंकि एक ही प्रीमिसिस के अंदर क्योंकि होने तो इसको लेकर पुलिस को जो है एक ही तरफ यहाँ पर जो है यहाँ पर लगाई गई है। अगर ज्यादा सेंटर होते तो वहां पर पुलिस डिप्लॉयमेंट करनी पड़ती, लोगों को दिक्कत होती। तो उस जब चीज को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने एक ही सेंटर यहाँ पर बनाया है और यहाँ पर चारों विधानसभा पूरा यमुनानगर जगाधरी चार विधानसभा है वो यहाँ पर रखते हैं और एक के बाद जो मतगणना है वो यहाँ पर शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, अगर यमुनानगर की हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, अगर यहाँ पर प्रमुख चेहरों की बात कर ले तो किस किस में बड़ी टक्कर देखने को मिल रही है और कौन बढ़त बनाए हुए हैं? सवाल अपना एक बार दोबारा दोहराइए प्लीज। राहुल, अगर यमुनानगर की बात करें तो यहाँ पर कौन कौन से वो प्रमुख चेहरे हैं जिनमें कड़ाके की जो टक्कर है वो साफ तौर से देखने को मिल रही है और कौन एग्जिट पोल के मुताबिक बढ़त बनाए हुए? देखिए कड़ाके की टक्कर साफ तौर पर जगाधरी सीट में जो है साफ तौर पर देखने को मिलती है, क्योंकि कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर, पूर्व विधायक जो
और पूर्व मंत्री रहे अकरम खान और उसके अलावा जो आदर्श पाल है वो भी कड़ी मुकाबले में जो है साफ तौर पर यहाँ पर देखने को मिला, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव प्रचार यहाँ पर हुआ कहीं ना कहीं एक फाइट जो थी वो दादरी विधानसभा पर साफ तौर पर देखने को मिली। इसके अलावा यमुनानगर सीट है वो भी काफी सुर्खियों में रही है, क्योंकि यहाँ पर भी जो है दिग्गज जो नेता है उन्होंने यहाँ पर अपना चुनाव भरा। घनश्याम दास अरोड़ा की अगर बात करें तो घनश्याम दास अरोड़ा लगातार बीजेपी की तरफ से जो है यहाँ पर चुनाव में लगे हुए हैं और ऐसे में इस बार भी पार्टी ने उनको यहाँ पर मौका दिया है। इसके अलावा अगर रादौर की सीट की बात करें तो पूर्व विधायक और जो कांग्रेस के प्रत्याशी है बीएल सैनी उनकी टिकट नहीं कटी, उनको दोबारा से कांग्रेस ने यहाँ पर जो है विश्वास जताया था और उनको जो है चुनावी मैदान में उतारा था। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा चुनाव था साफ तौर पर देखने को मिला था, लेकिन कांटे की टक्कर जो है वो चारों विधानसभा सीटों के ऊपर बनी हुई है और देखने को मिली है, क्योंकि लगातार जो हमने यहाँ पर कवर किया हर तरीके से लोगों का मन टटोलने की यहाँ पर कोशिश की गई, लोगों के क्या कुछ था वो हमने अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का यहाँ पर काम किया। तो तमाम चीजें जो है, क्योंकि दिग्गज नेता है एक अपना ऑरा रखते हैं, एक अपना स्टैंडर्ड रखते हैं, तो कहीं ना कहीं चुनाव प्रक्रिया और चुनाव से रिलेटेड जो चीजें थी वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर देखने को मिली। बयानबाजी भी हुई चुनाव प्रचार को लेकर, काफी ऐसे ऐसे चुनाव जो है प्रचार यहाँ पर किए गए जिससे लोग आकर्षित हो, तो कहीं ना कहीं चुनाव को लेकर काफी कुछ गहमा गहमी जो थी वो साफ तौर पर देखने को मिली। लेकिन उसके अलावा आपको यहाँ पर आप व्यवस्था की अगर मैं एक बार आपको दोबारा तस्वीर दिखाऊंगी, आप सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर देख सकते हैं, एसपी जो है यहाँ पर मौके पर जो है दिशा निर्देश जो है वो यहाँ पर देते हुए नजर आ रहे हैं, डीएसपी रैंक के अधिकारी भी जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। लगभग पूरे प्रीमिसिस की अगर बात करूँ जो है तो 6 डीएसपी रैंक के जो ऑफिसर हैं वो यहाँ पर तैनात किए गए। तो कुल मिलाकर यहाँ पर राहुल सुरक्षा व्यवस्थाएं मजबूत रखी गई है, कड़ी नजर रखी जा रही है। बिलहाल आप नजर बनाए रखिए।